मोहन कैबिनेट खत्म हो गई है, बैठक में कई लिए गए हैं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय दी जा रही है। रोजगार की आवश्यकता है, उसके साथ ही ट्रेनिंग देना। जैसे मैं बात करूं अगर पीतमपुर में ऑटो वाई का क्लस्टर, तो वहां पर आईटीआई पॉलिटेक्निक में उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। रीवा की हम बात करें तो रीवा में सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या क्या है, उस हिसाब से वहाँ ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही जैसे विदिशा में हमारे यहाँ कुल मिलाकर टेक्सटाइल का हब बन गया है, तो टेक्सटाइल में क्या आवश्यकता है, जैसे आपकी ट्रेनिंग में पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में थे, इस प्रकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं। दिन ये बात है कि जेलों में सुधार लगातार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि वहां पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बने, साथ ही उनकी कौशल कला उसके ऊपर भी ध्यान दें। सागर का आज बड़ा उल्लेख हुआ, सागर के हमारे श्री भाई बहुत अच्छा उन्नत कपड़ा बनाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइन से हम क्या, और लगभग पूरे कैदियों के द्वारा उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से अधिक किसी का लाभ भी हुआ है। हम उस जेल सुधार की योजना करके लिए एक कमेटी भी हमारी, विशेषकर हम जेल के अंदर योगा अध्यात्म इसके ऊपर फोकस करेंगे, उनको तकनीकी शिक्षा भी देंगे, जिससे वे स्वयं का रोजगार करें, जेल वातावरण सुधारें। इस दिशा में आज निर्णय लिया है, कुछ नई जेल भी बनाने का निर्णय हुआ है, नए जिले बने हैं उनको, वहाँ पर नई जेल बना, जिससे नया जिला बनाए, वहाँ पर एक जेल बनाने का निर्णय लिया। ऐसे बुरहानपुर के अंदर एक जेल बनाने का निर्णय लिया, तो जेल की व्यवस्था भी सुधरे और वहाँ पर कैदियों के साथ उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी वो निकलने के बाद बाहर आए। दूसरा, ऐसे कई गरीब कैदी हैं जो छोटे छोटे दंड नहीं भरने के कारण जेल के अंदर है। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका पैसा हम भरेंगे और उन कैदियों को रिहा करेंगे। और साथ ही 15 अगस्त में भी अभी कैदी जो ओल्ड एज हैं, जिनकी लंबी सजा हो गई है, उनको भी मुक्त करने का निर्णय लिया।